बैसेदा को चले जाए, चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। ओके। जब वह सांझ हुई तो वह नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। ओके। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया, पानी पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है, भूत है, और चिल्ला उठे क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें किया और कहा डाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लोग जो देख रहे हैं यह है यीशु मसीह का पानी पर चलना। यीशु मसीह 5,000 लोगों को खाना खिलाते समय वो अकेला था वहां पर, और 12 चेलों को बोला तू नाव पे चढ़कर पहले चले जाओ। और जब जा रहे थे, जाते जाते उनका नाव डगमगाने लगा। उनका नाव क्या हो रहा बताइए? इट वॉज मूविंग, और वो डगमगाने लगा। और वहां पर एक वचन लिखा, देखो, खेते खेते डर गए। खेतना समझता क्या आपको? खेतने का मतलब क्या है? वो चलाते चला, लकड़ी डंडे रहते ना, वो डंडे से वो खेतना पड़ता उसको। तो ये खेतने की वजह से क्या हो गया? वो बहुत थक गए, क्योंकि हवा कैसा था उनका? हवा उनके विरोध में था, अपोजिट में था, और वो आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन हवा उनको पीछे खींच के ला रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। कभी कभी हवा हमारे विरोध हो जाता है, हम काम करते करते थक जाते हैं, हम बहुत निराश हो जाते हैं और हम सोचते हैं अब यीशु हमको मदद नहीं करेगा। क्या कंडीशन था चेलों का? दे आर सफरिंग, दे कैनॉट एबल टू मूव द बोट फॉरवर्ड, मतलब अपने नाव को आगे नहीं लेके जा रहे थे, और हवा सामने से आ रहा था, और वहां पर ऐसा लग रहा था कि अब हम क्या हो जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, बहुत परेशान थे। लेकिन याद रखना, यीशु है जो पानी पे चलकर आ रहा था। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। प्रियो, वो आपको देख रहा है। देखो क्या देख रहा है, देखो, यीशु मसीह आपको देखता है। 48 वचन देखो, जब उसने देखा कि वे केते केते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए इनके पास आया। देखा, आया, बोलो यीशु देखता है। जो से बोलो, यीशु मुझे देखता है, यीशु मेरे पास आता है। देखना अलग है और आना अलग है। कभी कभी क्या होता है, रोड पे जाते समय एक्सीडेंट हो जाता, लोग क्या करते हैं? देखते और चुपचाप। देखना अलग है और आना अलग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माय जीसस, ही विल वॉच एंड ही विल कम टू यू। क्या बात है, ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। क्या यीशु मसीह विशेषता है? ही विल वॉच यू हाउ यूअर बोट इज गोइंग ऑन। आपका नाव कैसे चल रहा है, आप कैसे परिवार चला रहे हैं, आपका आपको समस्या कैसा है, आप कितने थके हुए हैं, इज वॉचिंग। चुचुचुन्ना देवड़ माना देवड़, हालेलुया। वो देखा और पानी पे चल कर आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे आया बताइए? जो असंभव है, जो मुश्किल है, जो संभव नहीं है, वो भी काम यीशु मसीह हमारे लिए कर सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह शिष्यों को देख रहा था, उनका नाव को देख रहा था, उनकी थकावट को देख रहा था, उनकी परिस्थिति को देख रहा था। वो चला नहीं पा रहे, हवा उनके विरोध आ रहा है, हवा उनको रोक रहा है, और देखकर फिर यीशु मसीह सोचा, आई विल कम टू यू, मैं आऊंगा, डरना मत, मैं आऊंगा। और बेचारा यीशु चलते चलते पानी पर उनके पास आया। और वो लोग क्या सोच रहे, वो लोग क्या सोच रहे, कई बार हम लोग हमारा दिमाग में जो रहता वही सोचते हम लोग। अरे भैया, यीशु को देखकर क्या बोल रहे ये लोग? भूत है, भूत है। यीशु मसीह नहीं दिखता, कौन दिखता उस समय उनको?
अरे भैया समस्या आता है, मुश्किल आता है, बीमारी आते हैं, समस्या आते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह को प्रभु के रूप में देखो, भूत के जैसा मत देखो। समझ में आपको? कभी कभी हम लोग भी अपनी समस्या देखकर सोचते हाँ कदा ये सेट आये चूस्त ले कदा మా పరిస్థితి తెలియదు ఆయనకు అని నారాజ్ అవుతాం మనం. శిష్యులు కూడా అనుకుంటున్నారు దయ్యం భూతం మేము చచ్చిపోతాం అని భయపడుతున్నారు. తబేశుని కేబుల దేకో, తబేశుని కేబుల డాడస్ బాంధో మే హూ డరో మత్. కితనే బార్ బోలా, కితనే శబ్ద హై? తీన్ శబ్ద అండర్లైన్ కర్కే రఖనా. పహలా శబ్ద క్యా హై? డాడస్ బాంధనే కా మతలబ్ క్యా హై? హిమ్మత్ రఖో, బోలో హిమ్మత్ రఖో. అప్నే బాజు వాళ్ళకు బోలో సబ్ లోగ్, కష్టో మే హిమ్మత్ రఖో, బోలో కష్టో మే హిమ్మత్ రఖో. చెప్పండి అమ్మా, కష్టంలో కూడా ధైర్యంగా ఉండండి. చెప్పండి, కష్టంలో కూడా ధైర్యంగా ఉండండి. కభీ కభీ అయినా ఓ దవాఖాన భర్తీ రైతేనా పేషెంట్కి పాస్, పేషెంట్ భర్తీ ఉన్న సపన దేఖనే జాతే జాతేకినే పేషెంట్కి పాస్. కభీ కభీ కోయి పహచానక రైతేనా అపన జాతే బైఠతే అరే तेरे को बुखार आया क्या? अरे यार कैसा कैसा आया, ऐसा कैसा बुखार आया? बेचारा हिम्मत देने के बजाय और मार डालते उसको. क्या करते उसको बताइए? इंस्टेड ऑफ दे आर इंकरेजिंग द पर्सन, दे आर क्रिटिसाइजिंग हिम ऑल द वे. अरे कुछ गलती किया क्या तू, कोई पाप किया क्या तू, इसलिए बुखार आया तेरे को? अरे ऐसा नहीं बोलना, हिम्मत रखो बोलना चाहिए. हालेलुया, ధైర్యంగా ఉండండి, నేను వచ్చిన మీ దగ్గరికి అంటుండే యేసు ప్రభు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. క్యా బాత్ హై, యేసు మసీహ్ దేఖో కితనా హమ్కో దేఖతా హై, హమారే పాస్ ఆతా హై. మే భూత్ నహీ హూ, మే ప్రభు హూ, మే ఆప్కో మదద్ కర్నే వాలా హూ, హిమ్మత్ రఖో. ప్రైజ్ ద లార్డ్, హల్లెలూయా. క్యా బోల్ రహా హై? డాడస్ బాంధో మే హూ డరో మత్. యే తీన్ శబ్ద మే జబ్ బహుత్ హిమ్మత్ దియా. कभी कभी हम लोग को भी तकलीफ आते है, कभी कभी हमारे परिवार में बहुत सारे तकलीफ आते हैं. पिछले हफ्ते में गुड़िया की तबीयत बहुत खराब था और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए. फिर पास्टर में भी हैदराबाद गई थी उनको देखने के लिए. अभी ठीक है, उसका एग्ज़ाम चालू है और प्रभु ने हमको हिम्मत दिया. कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है. हालेलुया. कभी कभी संकट आते हैं, मुश्किल आते हैं, समस्या आते हैं, लेकिन प्रभु हमको हिम्मत देता है, निराश नहीं करता हमको. ही नेवर क्रिटिसाइज यू, ही विल ऑलवेज इंकरेज यू. हालेलुया. तो हिम्मत दिया और बोला मैं हूँ, डरो मत. और जैसा यीशु आया, समस्या पूरा शांत हो गया. प्रेज द लॉर्ड.